और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां के चांदनी चौक इलाके में मंदिर को हटाए जाने के बाद विवाद जो शुरू हुआ था वो बढ़ता जा रहा है। तमाम हिंदू संगठनों ने मंदिर हटाने के खिलाफ नारेबाजी की है और प्रदर्शन किया है। लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अब मामले में सियासत तेज होती जा रही है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में प्रदर्शन के दरमियान कई लोग उग्र होते नजर आए हैं। मंदिर हटाए जाने के खिलाफ लोगों का ये प्रदर्शन है। हिंदू संगठन दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त जी हिंदुस्तान ग्राउंड जीरो पर मौजूद है चांदनी चौक में, और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच ये हनुमान मंदिर था, अब हुआ करता था, ये कहेंगे कि हुआ करता था, हजारों साल से ये हनुमान मंदिर यहीं पर था, लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कार्रवाई के बाद इसे हटा दिया गया। हटाने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच आ रहा था और इसलिए इसको रिप्लेस करने की बात थी, कहीं और ले जाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन कहीं और ले जाने के बजाय इसे तोड़ ही दिया गया, निस्तोनाबूद कर दिया गया। हजारों साल से ये मंदिर, हनुमान मंदिर यहाँ पर था, अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अलग आरोप लगा रही है, इधर आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है दिल्ली में उसका आरोप अलग है। लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इसे तोड़वाया और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंदी और नीच राजनीति कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी का हलफनामा था और उनकी तरफ से दबाव बनाया गया और उनकी तरफ से ही आदेश पारित किया गया, तब जाके वो टूटा है। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने कोई कार्रवाई न की है, ना हमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। हमने तो यह कहा था कि रिस्टोर किया जाए इस मंदिर को, यहां से हटाकर कहीं और रिप्लेस किया जाए, कहीं और प्राण प्रतिष्ठा की जाए, कहीं और इसको रखा जाए, पूरे विधि विधान के साथ, लोगों की आस्था को देखते हुए, लोगों के आस्था का जुड़ाव है, क्योंकि हजारों साल से यह मंदिर इसी चांदनी चौक में था। लेकिन जब चांदनी चौक के रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, पुनर्विकास का काम चल रहा है, तो इसे हटाने की बातचीत चल रही थी। अब जब तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद बवाल मचना शुरू हो गया है। अब जो इंद्रप्रस्थ हिंदू परिषद है वो भी यहाँ पर कुछ देर में पहुँचने वाला है, वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करने वाला है। आम आदमी पार्टी अलग प्रदर्शन कर रही है इस बारिश में बैठी हुई है। उसका ये कहना है कि हम हिंदू के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी हिंदू हिंदू करती है, लेकिन हिंदू के आस्था के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि MCD में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, न कि आम आदमी पार्टी का। अब आपको मैं बताऊँ, आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हनुमान चालीसा तो छोड़िए, मंदिर ही तोड़ देते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से चांदनी चौक में हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं, और इसे देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हालात का जायजा हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे ने लिया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार में इस मंदिर का महत्व कितना था और बवाल क्या हुआ था, मामला क्या था, क्या बात हुई थी। आइए, यहाँ पर तमाम जो पुराने दुकान वाले हैं जिनसे बातचीत करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये फोर्स का डिप्लॉयमेंट देख लीजिए, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके का कोई दंगा ना हो, किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने। इसको देखते हुए, एहतियात बरतते हुए, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहां पर फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। सबके हाथ में आप देख सकते हैं डंडे हैं, बंदूक है, सब अपने काम पर यहां पर जुटे हुए हैं, और धीरे धीरे माहौल, सियासत गर्माती चली जा रही है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, आम आदमी पार्टी के भी लोग, विश्व हिंदू परिषद के भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, किसी को भी इस मंदिर के पास पहुँचने की इजाजत नहीं है, मीडिया को भी नहीं है, गाड़ी लेकर नहीं आ सकते, पैदल भले आए। अब मंदिर तोड़े जाने की खबर जैसे जैसे फैली, संतों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि सरकार दोबारा उसी जगह मंदिर बनाए। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में जिस प्रकार हनुमान जी का मंदिर दिल्ली सरकार के द्वारा तोड़ा गया है, इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते, मांग करते हैं कि पुनः बनाया जाए, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति का प्रतीक हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज की प्राचीन मंदिर, वहां पर भक्तों से जुड़ा हुआ आस्था का मामला है। अगर आप आस्था से खिलवाड़ करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा।